33 साल में मेरे पिता ने लोकसभा क्षेत्र के लोगों के दिलों में जगह बनाई है। आज पार्टी ने जो टिकट काटने का कार्य किया बिना बातचीत के हुई चीजें, ये लोग बहुत दुखी हैं, लोगों में बहुत आक्रोश है इस बात का। उस आक्रोश के चलते हमने कोशिश यही करी कि हम उस दिन होकर आए ताकि आक्रोश शांत हो, पर लोगों का बहुत बड़ा एक गुस्सा है मन में कि कोई कमी नहीं, कोई गलती नहीं। जो प्रश्न हम पूछते रहे कि आखिर हमारा गुनाह क्या है वो तो बता दो, गुनाह बताया नहीं जा रहा और उसी के लिए आक्रोश बहुत ज्यादा है मेरी पब्लिक में, मेरे लोगों में, मेरे परिवार में है। सर, टिकट कटने के पीछे किसकी आत्मा मानते आप? देखिए, टिकट कटने के पीछे का तो कारण ही तो पूछ रहे हैं, गुनाह ही तो पूछ रहे हैं, गुनाह हमारा क्या है? वो तो पार्टी के हमारे जो बड़े लोग बैठे हैं उनको बताने का कार्य है कि किस बात पर टिकट काटी गई है, वो बात तो वो बताएंगे। वही तो पूछ रहे हैं पिछले 6 दिनों से कि हमारा कसूर क्या है, तो बताइए। निर्णय लेने के लिए काफी संख्या में यहाँ जनता आई है। भाई नीचे रखो, काफी संख्या में जनता आई है। अरे भाई जी, चलिए यार नीचे, क्यों करो, ऊपर क्यों करो? किस तरह का निर्णय आपने लिए है आगे आने वाले समय के लिए? देखिए, हम जनता के बीच रहने वाले लोग हैं, हम जनता के अंदर रह के राजनीति करते हैं, जनता ही हमारी ताकत है। वो ताकत ही तभी भैरव सिंह शेखावत जी ने 1991 के अंदर पिताजी को टिकट दी थी, जब हम सरपंच ही थे। तो ताकत जनता है, जनता की आवाज ही हमारी ताकत है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो ताकत, जो मेरी जनता, जो मेरे लोग, जो मेरे आत्मीयता से जुड़े हुए लोग हैं, जो वो फैसला लेंगे मैं उस फैसले पर चलूंगा। आज मेरी खुद की कोई से नहीं, मैं इस जनता के साथ रहा हूँ, जनता जो फैसला करेगी मैं वही फैसले खड़ा रहा हूँ। राहुल जी चुनाव लड़ेंगे इस काम में? अगर की जनता भी यही चाहती है कि चुनाव लड़े राहुल जी, तो क्या लोकसभा का चुनाव इस बार? मैं इसके बारे में आपको आने वाले 2 दिन बता दूं। एमपी बनाएंगे, एमपी साहब, चर्चा चल रही है कांग्रेस में शामिल होने की, चर्चा चल रही है, इसको लेकर क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं कांग्रेस में शामिल होने की, लेकिन लोकसभा चल रही है? मैंने पहले दिन ही कहा था मैं किसी से संपर्क नहीं करूंगा जब तक मेरे लोगों के बीच में मैं मेरे लोगों के आज रूबरू हुआ हूँ। बहुत से मेरे लोग नौहर, बादरा से सरदार, शेख सुजानगढ़, सभी तहसीलों से, तारनगर से, रतनगढ़ से बहुत लोग आए हुए हैं। सबसे बातचीत करने के बाद नहीं, इस बारे में मेरा अगला कदम होगा। क्या एमपी साहब 2 दिन बाद में कोई बड़ी सभा करने वाले हो राज्य में? 2 दिन बाद बड़ी सभा करो क्या राज्य में? 2 दिन बाद में सभाओं की जरूरत नहीं है। एक आम जन में जो आप आक्रोश और गुस्सा देख रहे हो, इन ऐसे माहौलों में सभाओं की जरूरत नहीं पड़ती। जनता खुद चुनाव लड़ने लग जाती है, प्राण हमारी जनता चुनाव लड़ेगी, मुझे तो पूरा उम्मीद है। सर, कांग्रेस के पार्टी के कोई बड़े किसने आपसे संपर्क किया? मैंने आपको बताया, आप जानते हो पत्रकार महोदय, कि मैं 10 साल से जिस पैशन के साथ में अपनी लोकसभा में काम कर रहा था, मेरे हाईवेज आप देखोगे, मेरे रेलवे का काम देखोगे, मेरे बीमा का काम देखोगे, मैं उस चीज से उभर ही नहीं पाया हूँ। मैं रातों रात जागता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ इस बात को लेकर कि मेरा कसूर ही क्या। मैं पुस्तिका तक मेरे में छपाई है, मैंने करीब 20,000 करोड़ रुपए के काम चुनाव लोकसभा में करवाए हैं। आज तक मेरे परिवार पर मुझ पर कोई भ्रष्टाचार का एक इल्जाम नहीं जा सकता। मेरा फोन 24 आवर्स ओपन रहता है। मेरे पिता श्री हर शादी हम में पहुंचने काम करते हैं। कुछ कारण नजर नहीं आता, कोई एक व्यक्ति नाराज होगा तो मैं जानता नहीं, पर मुझे लगता कि पार्टी ने जवाब दिया तो जरूर नाम होगा, चुनाव इन्हीं मुद्दों पर लड़ा जाएगा। सर, कांग्रेस पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं? अभी मैंने आपको बताया, 2 दिन के बाद मैं आपको बता दूंगा।